Hey guys, welcome to Abhishek Jha Classes. आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे WB All Colleges Refund and Cancellation Policy. तो दोस्तों, अगर तुमने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, और अगर तुम चाहते हो कि किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना बिकॉज वहां पे तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम निकल चुका है और इस पहले वाले कॉलेज को कैंसिल करना, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरह से आप रिफंड ले सकते हैं और किस तरह से आप एक कॉलेज को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है बिकॉज ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा. और अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक कर दो बिकॉज वन लाइक इक्वल्स टू वन सपोर्ट. और सबसे बड़ा बात, सब्सक्राइब और शेयर एकदम चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली. जितना व्यूज आ रहा है उतना सब्सक्राइब भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट इसी चैनल में तुमको देखने के लिए मिलेंगे. सारे के सारे अपडेट, एजुकेशनल वीडियो, लर्निंग वीडियो, सब के सब इसी चैनल में तुमको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, इसलिए अपनी सीट की पेटी बांध लो और जल्दी यहां पे देखो. ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स क्या क्या लेने वाले हैं आज. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ फीस, कितना कितना परसेंट आपको रिफंड ऑफ फीस मिलेगा कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में. इसके बाद बात करेंगे यूजीसी का गाइडलाइंस क्या है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर कैंसिल नहीं किए हैं आप एक पर्टिकुलर कॉलेज और बिना कैंसिल किए दूसरा कॉलेज में आप चले जाते हैं, तब आपको कौन कौन सा मतलब कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकता है इसके लिए, तो ये भी बात करेंगे. इसके बाद बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से हम लोग अपना कॉलेज को कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा या ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोग अगर कैंसिल कराना चाहते हैं. और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपका रिफंडेड अमाउंट कब तक आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा. तो दोस्तों, ये सारा का सारा बात इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं. दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी. सबसे पहले बात पर हम लोग बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ फीस. तो कितना परसेंट मिलेगा कैंसलेशन करने पर, पूरा 100% मिलेगा या कुछ परसेंट कटेंगे भी. तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे यूजीसी का नोटिफिकेशन है आपके सामने. नोटिफिकेशन के हिसाब से यहां पे दिया हुआ है कि अगर एडमिशन के लास्ट डेट के 15 दिन से ज्यादा, मान लो कि अगर तुम्हारा एडमिशन का लास्ट डेट यहां पे 31 अगस्त है, मैं बोला मान लो, ठीक है, अगर 31 अगस्त है लास्ट दिन, लेकिन अगर तुम 15 दिन से ज्यादा दिन, मान लो 14 अगस्त को तुम मतलब कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई कर देते हो, तो तुमको 100% फीस रिफंड मिल जाएगा इस केस में. नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर तुम 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर यहां पे 31 अगस्त है लास्ट डेट और तुम अगर मान लो 16 अगस्त को अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, ठीक है, 16 अगस्त को अप्लाई करते हो कैंसिलेशन के लिए, तब तुम्हारा 90% रिफंड होगा. और यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे 31 अगस्त है लास्ट डेट, और अगर मान लीजिए आप लोग यहां पे ये 27 अगस्त को अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए, 27 अगस्त को अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए, तो आपको यहां पे 80% मिल जाएगा पूरा का पूरा फीस का. ठीक है, और अब बात करते हैं 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज. मान लीजिए आपका एडमिशन का लास्ट डेट का मतलब ये 31 अगस्त, लेकिन आपने यहां पे 15 सितंबर को, आपने यहां पे 15 सितंबर तक मतलब कैंसिलेशन किया, मतलब 15 दिन के बाद, तो फिर आपका रिफंड अमाउंट आएगा 50%. लेकिन आपने अगर मान लीजिए 31 अगस्त को लास्ट डेट था, 31 अगस्त को लास्ट डेट था, और यहां पे 31 सितंबर मतलब 30 सितंबर में आपने अगर यहां पे कैंसिलेशन किया, तो आपका 0% रिफंड आएगा दोस्तों. ठीक है दोस्तों, तो आपका उस केस में 0% रिफंड आएगा. तो अब बात करते हैं सारे के सारे रिफंड का प्रोसीड्यूर आप लोग ने बहुत अच्छे से जान लिया होगा. अब बात करते हैं यूजीसी गाइडलाइंस. यूजीसी ये कहता है कि जितना भी कॉलेज है इंडिया में, जितना भी कॉलेज है, वो लोग में आप लोग अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन पॉसिबल है. तो यूजीसी ये कहता है कि हर कॉलेज को कैंसिलेशन का ऑप्शन देना पड़ेगा. ठीक है,
तो आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि भवानीपुर क्यों नहीं तब कैंसिल करता, भवानीपुर तब क्यों ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करके रख दिया है कि कैंसलेशन इज नॉट अलाउड। तो ऑफ कोर्स भवानीपुर में आप लोग जाइए, फिजिकली जाना पड़ेगा, फिजिकली बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को वहां पे रिफंड मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत कम जन को रिफंड मिलता है, बिकॉज ये लोग इतने सारे गाइडलाइंस इशू करते हैं। बाकी कॉलेजेस के तो आप लोगों को गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो ही करने पड़ेंगे, कॉलेजेस के गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करेंगे आप लोग तो बहुत दिक्कतें हो जाएगा। तो कॉलेज का गाइडलाइन आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, कॉलेज का गाइडलाइन फॉलो करते हुए रिफंड पाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो भवानीपुर का इतना टफ गाइडलाइन है ना कि इसीलिए बहुत ही कम चांसेस है कि रिफंड पाने का, ठीक है। बाकी यूजीसी बोल दिया है सबके सब कॉलेज को रिफंड का ऑप्शन देना पड़ेगा, कैंसिलेशन का ऑप्शन देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कैंसिलेशन। अगर आप लोग कैंसिलेशन नहीं किए एक पर्टिकुलर कॉलेज में और दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे देखिए आपका नाम, आपका नंबर, आपका सारा का सारा डिटेल्स दोनों कॉलेज में जाएगा, तो दोनों कॉलेज की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आपको दो तरफ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये भी चांसेस है, ये भी बहुत ज्यादा माइनॉरिटी चांसेस है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आप एक ही कोर्स के लिए आप दोनों कॉलेज में अप्लाई करके रखे हो और दोनों कॉलेज में एडमिशन लेके रखे हो, तो ऐसा तो नहीं चलता। एक कोर्स के लिए सिर्फ आप एक ही कॉलेज में जा सकते हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलेज को कैंसिल नहीं करें। तो कैंसिलेशन कराना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर रिफंड कोई कॉलेज में ना भी मिले तो कैंसिलेशन तो पक्का से पक्का करा देना, फिजिकली जाना और कैंसिलेशन करा देना। अब मैं यही बात करने वाला हूं कि हाउ टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन के लिए किस तरह से अप्लाई करें और ऑनलाइन है प्रोसेस या ऑफलाइन है प्रोसेस। तो देखिए बहुत सारा कॉलेजेस यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस भी करता है और बहुत सारा कॉलेजेस यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज, यहाँ पे देखिए ये लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया है। तो इस अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप कैंसिल करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर टू बी कैंसिल यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक जो आपके रिसिप्ट में एप्लीकेशन नंबर होंगे वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मोबाइल नेम, बेसिक सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके बाद कोर्स नेम, कोर्स कॉम्बिनेशन, वेरिफिकेशन स्टेटस, एडमिशन स्टेटस, ये सब चीज के बारे में आप लोग को देना पड़ेगा और यहाँ पे फोटो भी आप लोग को लगाना पड़ेगा, ओके। और इसके बाद आप लोग देखिए अपलोड ड्यूली फाइंड इन एप्लीकेशन टू कैंसिल एडमिशन, तो एक एप्लीकेशन का पूरा चिट्ठी आप लोगों को लिख के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड एडमिशन फीस रिसिप्ट ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, जो आपको एडमिशन फीस का रिसिप्ट मिला था वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कीजिएगा, सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फीस रिफंड, इसको भी आप लोग को चेक करते रहना है, और डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, तो ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ये सर्टिफिकेट को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे मतलब उसी के बाद आप लोग यहाँ पे कैंसिलेशन का कर सकते हैं, कैंसिलेशन का आपके पास प्रूफ रहेगा तभी आपको रिफंड का फीस मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे कैंसिलेशन को अप्लाई करना है, ये मोटा मोटी हमने बता दिया, दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। और भी सारे कॉलेजेस में, और भी कॉलेजेस में आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। इसी तरह से मोटा मोटी इसी तरह से सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है, आप लोगों से सारा का सारा डिटेल्स पूछा जाएगा, रिसिप्ट देने बोलेगा और एक एप्लीकेशन अपलोड करने बोलेगा ऑनलाइन में, और अगर ऑफलाइन है तो आप लोगों को यही सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कॉलेज में फिजिकली जाके दोस्तों। तो इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं आप लोग कैंसिलेशन करने के लिए। मैंने ये भी बता दिया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं, तो दोनों चीज ही पॉसिबल है यहाँ पे। कोई कोई कॉलेज ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी देता है, कोई कोई कॉलेज ऑफलाइन करने को बोलता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग सकता है आपका, आपका वापस से 12th का मार्कशीट, ये 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड और एडमिशन रिसिप्ट तो पक्का से लगेगा आपका अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं।
तो वो जो एडमिशन फीस पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा ना, वो तो पक्का से आप लोगों का लगने वाला है उधर, और एप्लीकेशन तो लगने ही वाला है, जिसमें आप लोग एक चिट्ठी लिख के देंगे कि हम कैंसिल करवाना चाहते हैं ये कॉलेज में, ठीक है। और उसी सब देने से आप लोग को रिफंड मिलता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, व्हेन विल द रिफंड अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक, कब तक आपका जो रिफंड अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट टॉपिक डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर। मेनली आप लोग ये देखेंगे कि दिसंबर एंड तक आप लोगों को रिफंड करने के लिए भी मिलेगा दोस्तों, मतलब दिसंबर 31st या तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी रिफंड आता है, ऐसा भी हुआ है दोस्तों। और कोई कोई कॉलेजेस ऐसा भी है कि एक दो महीने में रिफंड कर देता है, तो थोड़ा सा टाइम तो उन लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सब सारा चीज आप लोग ऑफलाइन, मेनली यहाँ पे ऑफलाइन होता है ये सारा प्रोसेस, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन भी होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज। और अभी बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं निकला हुआ है, थोड़ा दिन बाद निकलेगा, इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका भी कॉलेज में कैंसिलेशन का मतलब ये प्रोसेस जरूर से जरूर आएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ये वीडियो अगर तुमको बहुत ज्यादा पसंद आया तो। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा कॉलेज कैंसिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा और सारा का सारा कॉलेज आपको रिफंड भी करवाएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।